Book of Revelation about the Lord Jesus speaking to the church in Ephesus. और प्रकाशित वाक्य की किताब में से हमने सुना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इफिसियों की कलीसिया के बारे में बात करता है। That the church had left his first love. कि वो कैसे उस कलीसिया ने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया था। The first love can mean that the love that we first had when we came to the Lord. और पहला प्रेम वो प्रेम हो सकता है जब वो प्रेम जब हम प्रभु में पहली बार आए थे। And the other thing is that can mean that we love the Lord before every other person, every other thing in our own lives. और दूसरा एक अलग उसका अर्थ ये हो सकता है कि हम परमेश्वर को उस प्रेम से प्रेम करते हैं जो किसी भी मनुष्य को प्रेम करने से बेहतर है। And that God, Jesus should be our delight. और प्रभु यीशु मसीह हमारा खुशी होना चाहिए। And all the other things are secondary to Jesus. और बाकी के सारे जो चीजें या बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के बाद होने वाली बातें होती हैं। That is known as first love. और इसीलिए उसे पहला प्रेम कहा जाता है। If there is a first love, there can be a second love and third love. और यदि वहाँ पर पहला प्रेम हो सकता है, तो वहाँ पे दूसरा और तीसरा प्रेम भी हो सकता है। The first love should be always for Jesus. और पहला प्रेम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लिए ही होना चाहिए। Then only the second love goes to our wife and to children, to brothers, and the first love always to Jesus. जहाँ पर हमारा दूसरा प्रेम जो है अपने पत्नी या अपने भाई या बच्चों की तरफ हो सकता है, लेकिन पहला प्रेम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लिए ही होना चाहिए। Because he is the one who died for us and loved us first. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमने पहले प्रेम किया और हमारे खातिर वो मरा। But other people have also loved us, but they have not loved us so much as Jesus loved. दूसरे लोगों ने भी हमसे प्रेम किया है, लेकिन जितना प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, वैसा प्रेम नहीं। That's what Jesus said. If you want to follow me, you must love, hate your father, mother, brothers, sisters, your own life. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो जरूरी है कि तुम्हारे माता पिता भाई बहन जिन सारे लोगों से तुम प्रेम करते हो उनसे तुम्हें नफरत करना है। अपनी खुद के नौकरी से नफरत करना है। Our own possessions, all the things that we have. हमारे पास जो धन संपत्ति है सारी जो चीजें हमारे पास हैं। That Jesus should be most primary in our own life compared to all the other relationships. और बाकी सारी जो रिश्ते हैं उनसे भी बढ़कर पहला स्थान हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है। And what happened to the Ephesus elder or the Christians that they loved the Lord, but they were just not first. It was maybe third or fourth. तो फिर एफिसियों के कलीसिया के विश्वासियों के साथ क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर से प्रेम तो किया, लेकिन वो पहला प्रेम नहीं था और परमेश्वर को उन्होंने दूसरा प्रेम दिया। That is why they said that their love has fallen from first love to fifth love. और इसीलिए वहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम्हारा जो पहला प्रेम है, पहले स्थान से वो पांचवें स्थान तक गिर चुका है। Your job is more important. Your people are more important to me than other things are important than me myself. अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी नौकरी तुम्हारे लिए अहमियत रखता है, तुम्हारे लोग तुम तुम्हारे लोगों से ज्यादा प्रेम करते हो। That is why this can come very, very silently in our own life. और ऐसा कुछ हमारे खुद के जीवन में भी धीरे-धीरे से हो सकता है। Because whatever comes naturally to our minds and to our desires are not according to the will of God. और जो कुछ भी स्वाभाविक रीति से हमारे मन में हमारी इच्छा के अनुसार होता है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता। Look at the book of Isaiah chapter 55. और यशायाह के 55 की ओर मुड़ेंगे। Verse 8 it says, और 8 and 9 में says, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। See, naturally, all the thoughts and the ideas and plans that come into our mind are against God's will. और स्वाभाविक रीति से जो भी सोच विचार या जो भी योजनाएं हमारे मन में आती है, स्वाभाविक रीति से परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होता है। We make lot of plans. हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। We have lot of ideas. बहुत सारे हमारे पास ideas होते हैं। But unless we take it to the Lord and ask His opinion for it, we are definitely going to go astray. लेकिन जब तक इन सारी योजनाओं को हमारे राय को परमेश्वर के पास ले जाकर उससे नहीं पूछते, हम हमारे खुद
उनके योजनाओं से लेकर हम भटक जाएंगे. We go out of the will of God. परमेश्वर की उस मर्जी के बीच से हम निकल जाते हैं. And then God goes far away from our life. फिर ऐसे में परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत दूर हो जाता है. We find that, you know, that delight in God is gone away. फिर ऐसे में हमें परमेश्वर का जो आनंद हमें रहता है वो चला जाता है. No, we are doing things, coming for the meetings, reading our Bible, doing our prayers, but you know, it is not with that passion in our own lives. और हम बहुत कुछ ऐसे करते हैं, कलीसिया में आते हैं, पवित्र शास्त्र में से पढ़ते हैं, लेकिन जो भी हम परमेश्वर का कार्य करते हैं उस खुशी और आनंद उस जुनून से नहीं करते. But the Lord said, you never consulted me. I'm not going to push myself on you. और परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझसे कभी पूछताछ नहीं किया, मैं तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने वाला. The Lord wants us always to depend upon him. और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें. Proverbs chapter 3 says, trust in the Lord with all your heart. और नीति वचन के 30वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे परमेश्वर पर पूरे दिल से तुम भरोसा रखो. Do not lean upon your own understanding. अपने खुद के समझ का सहारा मत लो. In all your ways acknowledge him. और तुम्हारे सारे रास्तों में परमेश्वर की इच्छा को तुम मान लो. And he will direct your paths. और फिर वो तुम्हारे रास्तों में तुम्हारी मार्गदर्शन करेगा. And that's why we have to take all our matters, all our, we don't understand, but say, Lord, this is my, what I want to do. Lord, please guide me and lead me. Let your will be done in my life. और इसलिए हमारे सारी जो योजना है सोच विचार को परमेश्वर के पास ले जाना और कहना कि हे प्रभु, तू जानता है मेरे जीवन के बारे में, मैं नहीं जानता कि कैसे मेरे जीवन को बिताया जाए, और इस तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है. What does it mean, all my ways? और मेरे सारे मार्गों का इसका मतलब क्या? All my decisions. मेरे सारे निर्णय. How I'm going to spend my money. मेरे पैसों को मैं कैसे खर्चा करने वाला हूँ. How I'm going to spend my time. मेरे समय को मैं कैसे खर्च करने वाला हूँ. All the things that I'm supposed to decide, God wants to be involved. और जो सारी चीजों के बारे में मुझे निर्णय लेना है, उस निर्णय लेने के काम में परमेश्वर भी शामिल होना चाहता है. It doesn't mean that God wants to impose himself on me. इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर हमारे ऊपर कोई जोर या जबरदस्ती करता है. But he wants me, his will not in my life. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए. So many times we have made decisions without consulting the Lord. कितनी बार हमारे जीवन में हमने कितने ऐसे निर्णय लिए हैं जो परमेश्वर से बिना पूछे हमने किया है. And we have so much become so miserable because of that. और इसके वजह से हमारा जीवन कितना बेकार हो गया है. I've had experience of that. ऐसा एक अनुभव मेरे जीवन में हुआ है. Proverbs chapter 3 says, do not be wise in your own eyes. और नीति वचन के 30वें अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे खुद के समझ में अपने आप को तुम बुद्धिमान मत समझो. Don't think you are so smart that you don't have to consult God. और तुम ऐसे मत सोचो कि तुम इतने अक्लमंद हो चुके हो कि अब से तुम्हें परमेश्वर से कोई चीज के बारे में सलाह नहीं करना है. Important is you have to consult God and you consult God's people also, mature people. और महत्वपूर्ण ये बात है कि तुम्हें परमेश्वर के साथ सलाह मशवरा करना है और परमेश्वर के लोगों के साथ जो सियाने हैं उनके साथ भी तुम्हें बातचीत और पूछताछ करना है. That's why God has given us the church. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें कलीसिया दिया है. So that there can be a safety. ताकि वहाँ पे एक सुरक्षिता हो. Left to ourselves, we'll do always do the wrong things. और यदि हमारे खुद पर हमें खुद के हाल पे छोड़े जाए तो सारी गलतियों को हम कर बैठेंगे. For children, God has kept them in their homes so that they can ask permission of their parents. और बच्चों के लिए परमेश्वर ने अपने अपने घरों में रखा है ताकि अपने माता पिता का जो अनुमति पूछे वो. If children are left to do what they like, they'll make a mess of their life, they'll kill themselves. और यदि बच्चों को अपने खुद पर छोड़ दें तो अपने खुद के जीवन का पूरा विनाश कर देंगे और अपने आप को वो नष्ट कर देंगे. If you give a child the option to eat what he likes. यदि एक बच्चे को जो उसके दिल में आए खाने के लिए हम उसको अनुमति देते हैं. So he said, I like only cakes and ice creams. तो वो बच्चा कहेगा कि मुझे सिर्फ केक और आइसक्रीम पसंद है. All day, morning, evening, every day, he wants to eat cake and ice cream. और सुबह पूरा दिन सुबह दोपहर शाम में वो सिर्फ केक और आइसक्रीम खाते रहेगा. In few days time, he'll become sick. और थोड़े ही दिनों में वो बीमार हो जाएगा. Parents say, no, that I will give you what is right for you. लेकिन उसके पिता ने उसे कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए जो सही है उसी चीज को तुम्हें दूंगा. And the children have to submit to their parents because then they'll know, surely the parents know what is good for me. और फिर बच्चों को इस हालत में अपने माँ बाप के अधीन में हो जाना है ये समझकर कि निश्चय है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए अच्छे बातें सोचते हैं. The Lord tells in all your ways acknowledge me and then I will direct your paths. और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे सारे मार्गों में मेरे बातों को तुम परमेश्वर को याद करके तुम निर्णय लेना फिर मैं तुम्हारी मार्गदर्शन करूंगा. We by nature are very independent type of nature. We just want to like to do what we like. और स्वाभाविक रीति से हम सारी चीजों को अपने खुद
खुद ही से हम करना चाहते हैं। Just like Eve and Adam, they didn't want to consult God in their decisions about eating the fruit. और ठीक उसी तरह जैसे हव्वा और आदम में उस फल को खाने के बारे में परमेश्वर से कोई पूछताछ नहीं किया। And God never forced him. और परमेश्वर ने उन पर कोई जबरदस्ती नहीं की। When we are considering important matters like marriage and so many other important things, we always consult God. Say, Lord, this is why I don't know what the future. Please show me what is your will, Lord. और हमारे जीवन में भी कई बार सारे मुख्य निर्णय लेते हैं शादी के बारे में, इन सारे विषयों में जरूरी है कि सबसे पहले परमेश्वर से हम सलाह मशवरा करें और समझे कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या योजना रखी है। The Bible says, in everything by prayer and supplication, let your request be made known to God. और पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सारे बातों में तुम प्रार्थना और निवेदन के साथ तुम्हारी सारी जो जरूरतें हैं परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ प्रकट करो। फिलिपियों में देखते हैं verse chapter 4 verse 6 चौथे अध्याय के छठवें वचन में, do not be anxious for anything but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाएं। And the peace of God which surpasses all comprehension shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। When we commit everything into the Lord's hands, the Lord will take this responsibility and guide us and lead us in the right way. और जब हमारे सारे बातों को परमेश्वर के हाथ में जब हम सौंप देते तो परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी हमें हमारे रास्ते पर मार्गदर्शन देकर वो अच्छी भली भांति करता है। And verse 7 says, then we have the peace of God. और फिर सातवें वचन में लिखा है कि फिर हमें परमेश्वर की शांति मिलती है that will guard our hearts and minds. जो हमें हमारे मनों को हमारे दिलों को सुरक्षित संभालता If we don't have the peace of God, यदि हमारे पास परमेश्वर की शांति नहीं है we'll have a lot of anxiety. तो वहाँ पर बहुत सारी चिंता के सोच विचार होते हैं and then we'll make all the wrong decisions. और फिर वहाँ पे सारे जो गलत निर्णय करते हैं and we'll go the wrong way. और फिर हम गलत रास्ते भटक जाते हैं and that is important when God has given us a lot of responsibility and a lot of experience. Still then even consult God all the time. और ये तब भी महत्वपूर्ण होता है जब हमारे पास बहुत सारा अनुभव हो जाता है, हमने बहुत सारे जिम्मेदारियां जिंदगी में निभा ली हैं, तब भी जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास जाकर हर चीज के बारे में सलाह मशवरा करें। This is how Jesus lived. इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बिताया। So Lord, I've come on this world not to do my will but to do your will. और फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैं संसार में आया हूँ अपनी मर्जी करने के लिए नहीं लेकिन केवल प्रभु तेरे मर्जी करने के लिए। So Lord Jesus, we say, Lord, I've come to do your will. Show me what is your will in every day of my life and Lord what shall I do please show me. और हमें भी इसी तरह से करना है कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझे सिर्फ तेरी ही मर्जी करना है, मुझे दिखा दे कि मुझे क्या करना है और कैसे अपने जीवन को बिताना है। And then we'll find rest and peace for our souls. ऐसा करने से फिर हमारे प्राण में हमें शांति मिलेगी। I was looking at one example in the book of the Old Testament, 1 Chronicles chapter 16. और पुराने नियम में पहला इतिहास के 16वें अध्याय में एक उदाहरण मैंने देख रहा था। Sorry, 2 Chronicles chapter 16. दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय। This is a story of and chapter 16 is of the story of it's good to read that full chapter when you got time. Story of King Asa of Judah. और ये दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय पढ़ने के लिए अच्छा है, जब समय मिलेगा तो पूरा अध्याय पढ़ लें। और ये अध्याय जो यहूदा का राजा आसा के बारे में है। And then what he did, he brought out all, he was living a very peaceable time and peaceable kingdom. He brought out all the gold and silver vessels from the temple of God and showed it to the king of the foreign king of Syria. और उसने जब राजा आसा के समय में जब था वहाँ पे बहुत ही शांति और विश्राम बना रहा उसके राज्य में, उस समय ने उसने परमेश्वर के राजभवन में से सारे जो चांदी और सोने के भंडारे थे वो सारे बर्तनों को निकालकर उसके तिजोरी में से निकालकर उस विदेशी राजा के सामने उसने उसको प्रस्तुत किया। He made an understanding with a foreign king, who was an idolatrous king. और फिर उसने उस वो जो मूर्ति पूजक राजा था उसके साथ एक वाचा बांधी। And then he said, "You must help me when I am in trouble." और फिर उस राजा से वो कहता है कि जब कभी भी मुझ पर आपत्ति आती है, तुम मुझे मदद करो। So he took his help
in defeating his neighboring king, that is the king of Israel. और फिर उसने उस राजा की मदद से अपने जो पड़ोसी जो राज्य है इज़राइल के राज्य को उस राज्य को उसने हरा दिया। He did everything on his own. और सारी चीजों को उसने अपने खुद के बल पर किया। And everything went well with him. और सब कुछ उसके साथ ठीक हुआ। Then verse 7 of chapter 16 verse 7 king the Hanani the seer came to Asa king of Judah and said to them because you have relied on the king of Aram and not relied on the Lord your God, therefore the army of the king of Aram has escaped out of your hand. और उसी अध्याय 16वें अध्याय के 7वें वचन में उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। Hanani was a seer. Seer, the other word of seer is a prophet. और हनानी एक दर्शी था, मतलब वो एक भविष्यवक्ता था। Seer is a person who can see through. और दर्शी मतलब है जो आगे की बातों को देख सकता है। He can see through a person. Now, what is the motive? I mean, God has given them the gift of seeing through the personal. Behind the situation, behind the scenes, what is going to happen? और परमेश्वर ने उन पर ऐसा दान किया है कि वो किसी व्यक्ति या किसी हालात के बारे में अंदर की चीजों को वो अच्छी तरह से दिल की बातों को उनके नियत को वो समझ सकते हैं। And Asa did not consult any king, any prophet, nothing. He just went straight and did what he liked. और फिर आसा ने ऐसे समय पे उसे किसी दर्शी या भविष्यता के पास नहीं गया, अपने मन में जो आया उसने उसी को किया। And he said, verse 8 that were there the Ethiopians and the Lubim an immense army with very many chariots and horsemen yet because you relied on the Lord delivered them into your hand. और आठवें वचन में क्या कूशियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था। See, Asa was a godly king and then when there was such a lot of severe opposition against him and foreign armies had come he relied on the Lord and the Lord helped him and delivered him out of that problem. और आसा एक धर्मी राजा था, वो हमेशा जब कभी परमेश्वर पे भरोसा रखता था, जो भी आपत्ति उस पर आती थी, उस हालत से परमेश्वर उसे छुड़ा लेता था। When God does good things for us, we goes to our head. जब परमेश्वर हमारे लिए भले काम अच्छे कामों को करता है तो वो हमारे सिर पर चढ़ जाता है। He said, "Now I don't have to consult God. I'll do what according to my understanding. I know God." और तब ऐसे में हमारे मन में ऐसे सोच आती है, अभी मुझे परमेश्वर से कोई सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो चाहे मैं अपने आप से खुद से कर सकता हूँ। And it appeared to be quite a nice thing to make a treaty with the foreign king, but then God was not very very unhappy with that. और वो शायद दिखने में अच्छा लग रहा था जहाँ पर उसने एक विदेशी मूर्ति पूजक राजा के साथ वाचा बांधता है, लेकिन इस बात से परमेश्वर नाखुश थे। Life, whenever we don't trust God, anything, God is very displeased with us. और हमारे खुद के जीवन में भी जब किसी भी चीज को लेकर जब हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं, परमेश्वर हमसे नाखुश हो जाता है। The children of Israel, God was very displeased them because they never trusted Him. और इस्राएल के बच्चों से भी परमेश्वर नाखुश थे क्योंकि कभी भी उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। They were thankful that God has given all the good things in life, and they said, "Now we can want to do what we like." और वो परमेश्वर के ओर धन्यवाद तो थे कि परमेश्वर ने उनके लिए सारी चीजों को दिया है, फिर बाद में उनके मन में विचार आया कि अब हमको जो चाहिए हमारे मन के अनुसार हम कर सकते हैं। And that is what displeased God most. और यही चीज परमेश्वर को अधिक नाखुश किया। And verse 9 is a famous verse which says, "For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose heart is completely His." और नौवें वचन में बहुत ही मशहूर एक वचन है, "देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपना सामर्थ दिखाता है." God is searching for people who really love Him. And whose heart is completely for God. और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो सच्चे रीति से परमेश्वर से प्रेम करते हैं और पूरी तरह से परमेश्वर की ओर समर्पित हैं। His eyes go all over the world. और चारों ओर उसका जो नजर है वो घूमती फिरती है। He goes all over the city of Bombay. और वो सारे मुंबई के शहर की ओर उसकी दृष्टि जाती है। For all believers to see how many people who really love him with all their hearts. और सारे विश्वासियों को ढूंढ परखता है कि कितने हैं जो सचमुच में मुझसे प्यार करते हैं। Who want to please him from their hearts. और जो अपने दिल से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। Such people God will strongly support. ऐसे लोगों को परमेश्वर पूरी तरह से वो संभाल लेता है। It's better to have the support of God than the support of men. और मनुष्य के सपोर्ट से ज्यादा परमेश्वर की ओर से जो सहायता मिलती है वो बेहतर है। क्योंकि मनुष्य का जो भी सहायता है एक दिन वो टूट जाता है। God will be with us for all eternity. और परमेश्वर अनंत काल के लिए हमेशा हमारे साथ रहने वाला है।
And God wants our hearts to be totally His. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय पूरी तरह से परमेश्वर का ही हो. And the seer Hannah, the prophet Hannah told Hannah, he said, "But you have acted foolishly in this. So indeed, now you will surely have wars." और फिर हनानी दर्शी ने आशा से कहता है कि तुमने मूर्खता से व्यवहार किया है. अब से लेकर तुम्हें बहुत सारे युद्ध का सामना करना पड़ेगा. Because the wrong things that we do, we tend to suffer for that. और हम कितने सारे गलतियों को हम जो करते हैं, तो उसका जो फल है, उसको भुगतना पड़ता है. Bible says, as you sow, that you also reap. और पवित्र शास्त्र कहता है कि जैसे तुम बोते हो, वैसे ही तुम काटोगे. Abraham once decided that he wanted to have a son, but he believed that he would get a son through his wife, Hagar, his servant. और फिर अब्राहम को ये वादा दिया गया था कि वो एक पुत्र को जनेगा. फिर बाद में उसने सोचा कि उस स्त्री हागार के जरिए से उसे एक पुत्र जनेगा. Because his wife said, okay, you take her and get, maybe the son should come through her. क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे सलाह दिया कि तुम जाओ उस स्त्री को ले लो, शायद उसके जरिए से हमें पुत्र होगा. Because of that, he had so many problems and fights. और उसके वजह से उसे कितने सारे समस्याओं और युद्ध का सामना करना पड़ा. Whenever we don't trust God and do what we like to do, we have run into a lot of problems. और जब कभी भी हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हुए हमारे खुद की मनमानी करते हैं, हमें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. Then see what the response of Asa the king was in verse 10. और 10वें वचन में आसा राजा का जो उत्तर है उसे हम देख सकते हैं. Then Asa was very angry with the seer and put him in prison, for he was enraged at him for this. और हम देखते हैं कि आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठुकवा दिया. So the prophet Hanani, or the seer, he had the courage to come and tell the king, who was so powerful, that this is what you have done is wrong. और हनानी दर्शी ने हिया बांधकर वो उस राजा के सामने सामना करके उसे बोलने गया कि तुम जो किया है, तुमने किया है, वो गलत है. And Asa got so angry that he got put him in the prison. और आसा को उस पर इतना गुस्सा आया कि उसको उसने बंदी गृह में डाल दिया. Then again, now verse 32, instead of repenting, verse 12, it says, 39th year, Asa became diseased in his feet. और 12वें वचन में अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा के पांव को रोग हो गया. And the disease was severe, and even in his disease, he did not seek the Lord but the physicians. और वो रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों ही की शरण ली. See, God allows us difficult situations. In his personal life also, he had some disease in the legs, and in that time also, instead of seeking God, Lord, why this thing has happened to me? Please show me your will. Have I gone far away from you? He said, no, there are good doctors. I'll run to the doctors first and let them come and heal me. और परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार ऐसे समस्याओं को आने के लिए अनुमति देता है. इसी तरह से आशा के व्यक्तिगत जीवन में भी उसे एक रोग दिया था. उस स्थिति में भी आशा ने पश्चाताप करने के बजाय परमेश्वर से ये पूछने के बजाय कि हे प्रभु, मुझे बता दे मैं क्यों उस तरह के रोग में गिर गया हूँ, उसने परमेश्वर के पास नहीं जाते हुए आसपास के सारे वैद्य के पास जाकर उसने सलाह मशवरा किया. So that's what we learn. Whenever some sickness comes or some problem comes around, we must go to God for say, Lord, what are you teaching me? What are you telling me? Is there something that I should repent from? और फिर जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसे बीमारी आती है, समस्याएं आती है, तो जरूरी है कि हमें झट से परमेश्वर के पास जाके कहना है, पूछना है, हे प्रभु, तू मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या बता रहा है, मुझे बता ताकि उससे मैं मन फिराऊं. That's what Jesus told the church in Ephesus. Now you repent from these things. See how far you have fallen. और इसी चीज को प्रभु यीशु मसीह ने इफिसियों के कलीसिया से भी कहा कि अब तुम मन फिराओ और ढूंढो कि देखो तुम कहां से तुम नीचे गिर गए हो. Then you will take the right decisions in future. और ताकि भविष्य में जाकर तुम सही निर्णय ले पाओ. And that's what happens in our own life. We will not go the wrong way. We'll start going the right way after that. और यही चीज हमारे जीवन में भी होता है, जब फिर पश्चाताप करने के बाद हम सही रास्ते में चलने लगते हैं. And that's why what happens when you repent. इसलिए हम पश्चाताप करने के बाद क्या होता है? The apostle in the first book of Acts says that when you repent, you receive the Holy Spirit. और प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है कि जब तुम मन फिराते हो, तुम पवित्र आत्मा को पा लेते हो. What happens when you receive the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा को पा लेने के बाद क्या होता है? Romans 5:5 says the love of God is shed abroad in your heart. और रोमियों के 5:5 में जैसे परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला जाता है. The love for God will come back again. और फिर परमेश्वर की ओर जो प्रेम है वो फिर से वहाँ पर आ जाता है. You again feel like reading the Bible. और फिर हमको फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ने
को अच्छा लगता है। और फिर तुम्हें प्रार्थना करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। और कलीसिया में मीटिंग में आने के लिए तुम्हें अच्छा लगेगा। और दूसरे लोगों के पास तुम यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर ये सारी बातें तुम्हारे दिल से वो होते हुए आएंगी। That's why repentance is very important. और इसीलिए मन फिराना बहुत जरूरी है। Every day God shows us small things. Please repent, the Bible says. और हमारे जीवन में रोज परमेश्वर छोटी छोटी बातों को दिखाता है जिसे हमें मन फिराना है, हमें कृपा करके हमें मन फिराना है। When we continuously repent, what happens? God gives us the Holy Spirit. और जब हम लगातार इस तरह से मन फिराते रहते हैं, क्या होता है? परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। These other things in this world are not so important. और ये दुनिया में, संसार में बाकी सारी जो चीजें वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। I'll give a first priority to the Lord. मेरे जीवन में पहला स्थान, प्राथमिकता मैं परमेश्वर को ही दूंगा। One day soon we'll have to leave this world. एक दिन हमें जल्द ही इस संसार को छोड़कर जाना है। We have to go to be with Jesus. और फिर हमें जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास रहना है। I don't want to compare myself with all the people of this world. और मुझे इस संसार के बाकी के लोगों के साथ अपने आप को तुलना नहीं करना है। Lord, I want to trust you and live for you. और हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करना चाहता हूँ, तेरे लिए ही जीना चाहता हूँ। That's why one day Jesus corrects us so that because he loves us, he wants us to come close to him when he go to for all eternity. और प्रभु यीशु मसीह हमें इसलिए ताड़ना करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि अनंत काल में हमेशा के लिए हम उसी के साथ रहने के लायक एक जीवन बिताएं। Because the Lord loves us, he corrects us. और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमारी ताड़ना करता है। So we'll start delighting him and say, Lord, I want you. You are more important to me than anything else in this world. और इसलिए हम भी शुरू करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही खुश रहे और कहे कि परमेश्वर तेरे लिए जो अच्छा है, तू जो ठीक समझता है वही मैं करूँ। So let us give the Lord the first priority and the first love in our own life. और हमारे खुद के जीवन में वो पहला स्थान और वो पहला प्रेम सिर्फ परमेश्वर के लिए ही हम रखें। The Holy Spirit is always speaking to us. पवित्र आत्मा हमेशा हमसे बातें करते रहता है। All that we do, Lord, let me keep God first. और हम जो कुछ भी करते हैं, सारी चीजों में पहला स्थान हम परमेश्वर को ही दें। Amen. Amen.